Dear students, today we will start another interesting topic called spectrum. First of all, let us see what is spectrum. Or spectra. Plural of spectrum is spectra. देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट इसका मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. अगर एक वेवलेंथ की लाइट है तो हम उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट. एग्जांपल देखिए, जैसे चौराहे पे आप लोग देखते होंगे पीले रंग का सोडियम वेपर लैंप जलता है. सर्दियों के दिनों में फॉग वगैरह से बचने के लिए सोडियम वेपर लैंप. गाड़ियों में भी सोडियम लैंप लगाई जाती है हेडलाइट फॉग वगैरह में चलाने के लिए. तो इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम. ये रटने के लिए नहीं है, बस ये बताना है कि सोडियम वेपर लैंप से सिर्फ एक ही वेवलेंथ एक ही कलर की लाइट निकलती है, वो पीले रंग की लाइट होती है. लेकिन जो हमारा ऑर्डिनरी विजिबल लाइट है, सन की लाइट है, बल्ब्स की लाइट है, उसमें 7 कलर्स होते हैं. सनलाइट और लाइट फ्रॉम बल्ब, इट कंटेन्स सेवन वेवलेंथ्स. विद गिव 7 वेवलेंथ इसके अंदर होते हैं. अब अगर आप प्रिज्म से, आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा ये, प्रिज्म से अगर हम लाइट बीम पास करते हैं तो ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है. विजिबल स्पेक्ट्रम. With gear. तो किसी लाइट सोर्स के अंदर जितने भी वेवलेंथ हैं, उनको अलग अलग रिकॉर्ड करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है. तो स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स the representation of all wavelengths present in the radiation of a source. तो ये तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्या इसका डेफिनेशन है, ये हम लोगों ने यहां पे देखा. ध्यान दीजिएगा, रेनबो इट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. Including all wavelength of visible light
dispersed by water droplets present in atmosphere. तो रेनबो जो दिखाई देता है आसमान में वो भी विजिबल लाइट का कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सेवन कलर है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 स्काई में वायलेट और इंडिगो के बीच में हमारी आंख जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो इसलिए अगर आप रेनबो में ध्यान से देखेंगे तो आपको 6 कलर दिखाई देगा। टोटल 7 कलर आप काउंट नहीं कर पाएंगे। यहां पे आंख हमारी इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में कैपेबल नहीं है, वायलेट और इंडिगो को। तो आपको 6 कलर ये रेनबो में दिखेंगे। अब कभी आपको रेनबो स्काई में दिखेगा तो कलर आप काउंट कीजिएगा। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताए आपको, मैंने बताया कि इंडिगो जो है वायलेट से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो आप ऐसा कीजिए, इंडिगो को छोड़ के बाकी जो 6 कलर्स हैं वो आप लिख लीजिए। वायलेट इंडिगो छोड़ के ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इसको बोलते हैं मुंशन कलर व्हील। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। आप देखिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझिए, फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल किस कलर का है, ग्रीन, एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ रेड कलर। फ्रॉम सनलाइट, लाइट सोर्स सनलाइट भी हो सकता है, बल्ब की लाइट भी हो सकता है। घरों में जो पौधे होते हैं कमरे के अंदर रखे होते हैं वो हमारा बल्ब की लाइट से भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट ये देखिएगा कि जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब होती है वो सब्सटेंस उसके सामने वाले कलर का दिखाई देता है। क्लोरोफिल हरे रंग का क्यों है, क्योंकि वो रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। अपोजिट कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान रखिएगा, अपोजिट कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पे एक सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, ए सब्सटेंस अपीयर्स इन द कॉम्प्लीमेंट्री कलर to that which is absorbed.
जिस कलर की लाइट कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है उसके सामने वाले कलर का वो सब्सटेंस दिखाई देता है। अपोजिट कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आया एग्जाम में, मैं यहां पे बताऊं आपको, 2 साल पहले आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, देखिए एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट 5H2, इसको बोलते हैं ब्लू विथड्रॉल। ये ब्लू कलर का होता है। तो क्वेश्चन पूछा कि रेडिएशन ऑफ विच कलर इज एब्जॉर्ब बाय ब्लू विथड्रॉल। ब्लू विथड्रॉल किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है? अब आप देख लीजिए ब्लू के सामने क्या है, ऑरेंज, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। कोई सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड जिस कलर का दिखाई देता है वो सब्सटेंस अपने सामने वाले कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिए स्पेक्ट्रम को 2 मेन टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इनवॉल्व्स द स्टडी ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स। अब लाइट एमिटेड, बहुत सारे सब्सटेंस गर्म करने पे एमिट कर देते हैं, जैसे आप लोहे को गर्म कीजिए तो हीट होने के बाद उसमें से लाइट निकलती है। आप इलेक्ट्रिक हीटर देखिए, स्प्रिंग जैसे कॉइल बने होते हैं, गर्म होने के बाद उसमें से लाइट निकलने लगती है। तो लाइट गर्म करने पे भी निकल सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जैसे CFL है, बल्ब है, उससे भी निकलती है। तो कोई भी सोर्स हो, एमिटेड रेडिएशन का अगर स्टडी हो रहा है स्पेक्ट्रम में तो वह एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। पहचानेंगे कैसे, इट कंटेन्स ब्राइट लाइट ऑन डार्क बैकग्राउंड। ये मेन चीज है, ब्राइट लाइट ऑन डार्क बैकग्राउंड अगर है तो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। एब्जॉर्प्शन में इसका उल्टा होगा, डार्क लाइन विल बी ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। Involves the study of the radiations absorbed by a sample, a substance. It contains डार्क लाइन्स ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। ऐसा क्यों होगा, जैसे 7 कलर है उसमें से मान लीजिए 3 वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गए तो उन तीनों की जगह पे डार्क लाइन आ जाएगी, वहां डार्क आ जाएगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गया।
तो दोनों में मेन जो डिफरेंस ये होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइट ऑन डार्क बैकग्राउंड, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। एमिटेड रेडिएशन का अगर स्टडी हो रहा है तो एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब रेडिएशन का स्टडी हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरी बात नोट करिए जल्दी से, स्पेक्ट्रम ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग एटम्स इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब इस तरह लाइंस दिखाई देंगी स्पेक्ट्रम में आपको। अब ये लाइन क्या है? अगर ब्राइट लाइन है डार्क बैकग्राउंड पे तो एमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, डार्क लाइन है ब्राइट बैकग्राउंड में तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो एटम के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स is called band spectrum। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत सारे लाइन बिल्कुल पास पास ऐसे होंगे, तो इस तरह से बैंड बन जाएगा। दूर से आप देखेंगे तो एक बैंड दिखाई देगा। एटम के केस में ऐसे सिंगल लाइन दिखाई देगी, मॉलिक्यूल के केस में ऐसे मोटा सा बैंड दिखाई देगा और उस बैंड के अंदर बहुत सारी बारीक लाइंस होती हैं, तो ये बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। बस ये ध्यान रखना है, एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है और मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो स्पेक्ट्रम का जनरल आइडिया हमने बताया। हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी हम लोगों को करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बैकग्राउंड में हिस्ट्री में अगर देखें तो यह बहुत ही लैंडमार्क वर्क था। अब आप हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं आपको बताऊं कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनका नाम था रिडबर्ग। इनके अंदर जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे थे, जो पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने मिलकर के इस वर्क को किया था। नाम था उनका लाइमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वॉज स्टडीड बाय ए ग्रुप ऑफ 7 साइंटिस्ट, जिसमें मेन थे रिडबर्ग, बाकी इनके अंदर स्टूडेंट्स थे लाइमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस का सैंपल ले लिया, हाइड्रोजन गैस का सैंपल ले लिया ग्लास के अंदर,
अब इसके बाद क्या किया, चारों तरफ से डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टॉर्चेस लगाए, अल्ट्रावायलेट विजिबल, इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव, गामा रेडिएशन। बस रेडियो के लिए स्पेशल टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं होती बिकॉज रेडियो वेव्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब यहां हमने विजिबल लिख दिया, विजिबल में अब सारे कलर लेने पड़ेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर का रेडिएशन इसके ऊपर एक्सपोज किया गया। तो फटाफट फिगर बना लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। A sample of hydrogen gas was exposed to the electromagnetic radiations of all wavelengths. तो क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सैंपल एब्जॉर्ब क्वांटम ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, and gave atoms in excited state क्या कहना चाह रहे, देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है शेयर कर। अभी क्या है, लाइट की क्वांटम एब्जॉर्ब किया इसे, अब ये अल्ट्रावायलेट का भी हो सकता है, विजिबल का, इंफ्रारेड, किसी का भी होगा, बॉन्ड टूटा, इस तरह से बॉन्ड टूट गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होंगे। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में जहां भी किसी एटम के ऊपर या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर स्टार मार्क लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। और यहां फिर मैं बता दूं आपको कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड स्टेट में होता है उसका लाइफ, उसका जो लाइफ है 10^-6 to 10^-8 सेकंड के बीच में होता है, मतलब उतने देर के अंदर ये वापस नॉर्मल हो जाए। एक्साइटेड से क्या बनना है, नॉर्मल एटम बनना है, तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, अब ये जो एनर्जी रेडिएशन निकल रहा है इसी को स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर में प्रिज्म वगैरह, ग्रेटिंग वगैरह लगी होती है, स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने की एडवांस डिवाइस है। तो एनर्जी रेडिएशन जो एमिट हो रही है उसी को हमने स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हुआ और उस रिकॉर्ड को फोटोग्राफिक प्लेट पे डेवलप करके 7 साइंटिस्ट ने स्टडी किया।
ये पूरी स्टडी है। अब स्टडी कैसे किया, क्या मिला आपको, अगला वीडियो सेशन में दिखेगा, लेकिन ये आप जान लीजिए हुआ क्या था। ये ऊपर हम हटा रहे, थोड़ा लिखना है। When excited atoms return to normal state, energy is released in the form of radiation. The radiation is passed through spectrometer containing prisms. The spectrum of hydrogen was recorded on photographic plates and was studied by a group of 7 scientists. तो जो स्पेक्ट्रम था, 7 साइंटिस्ट के ग्रुप ने उसको रिकॉर्ड किया था। रिडबर्ग मेन साइंटिस्ट थे, लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। तो अब डिटेल स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन की स्टडी की जाएगी। जितने तरह के रेडिएशन निकले थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना नाम दिया। आप समझ लीजिए, ये सीक्वेंस याद करना होता, थोड़ा पहले लाइमन लिखना होगा, बामर, फिर पैशन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, फिर हम्फ्री। ये सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। लाइमन ने क्या स्टडी किया था, जो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रीजन में थी वो लाइमन ने स्टडी किया था, जो विजिबल में थी उसको बामर ने स्टडी किया था, नियर इंफ्रारेड पैशन ने, मिडिल इंफ्रारेड ब्रैकेट ने, फार इंफ्रारेड स्टडी करने के लिए 2 साइंटिस्ट। मैं बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में हम्फ्री सीरीज मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये ध्यान देना है कि एक लाइन हम्फ्री लाइन भी होता है, वो हम आगे आपको समझाएंगे। अच्छा, ये नियर मिडिल का क्या चक्कर है, देखिए ये हमें पता है, विजिबल में क्या होता है, 7 कलर, रेड के बाद इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड का टोटल रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो रेड के पास है वो कहलाता है नियर इंफ्रारेड, जो बीच में है मिडिल इंफ्रारेड, जो दूर है वो फार इंफ्रारेड का है। तो इंफ्रारेड के 3 जोन बनाए हुए हैं, नियर इंफ्रारेड जो रेड के करीब है, मिडिल इंफ्रारेड जो बीच में है, फार इंफ्रारेड जो सबसे दूर है। तो इस तरह से डिफरेंट रीजन की लाइन डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी की थी। नेक्स्ट वीडियो सेशन में पूरा डिटेल में हम समझाएंगे कि कब अल्ट्रावायलेट मिलता है, कब विजिबल मिलता है, कब नियर इंफ्रारेड कब क्या मिलेगा, और नंबर ऑफ लाइंस कैसे काउंट होते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइंस का वेवलेंथ कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिएगा। हैव ए गुड डे एंड गुड लक।